आज आपका स्वागत है हमारे कस्टमर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अल्ट्राटेक के बारे में मीटिंग जो हमारा सिटी है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और इसके बारे में आपको पूरा बताएंगे, इसको कैसे लगाना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। तो मनु नमस्कार जी, ये विटी सिटी है, ये अल्ट्राटेक कंपनी का है। कंपनी ये कहती है बीच को अल्ट्राटेक का केमिकल में टाइल है, इसमें सीमेंट मिलाने की जरूरत नहीं है। और टाइल लगाने के दो तरीके हैं, एक तो जी पानी में भिगो के टाइल लगाते हैं, और एक खाली टाइल को लगाना होता है अपने को तो उसमें सूखी टाइल हुई और फर्श पे हमने लगा दी। तो उसमें भी टाइलों में भी दो सिस्टम होते हैं, एक तो होती है विट्रीफाइड की, एक होती है जी नॉन विट्रीफाइड। जो विट्रीफाइड टाइल होती है उसको तो पानी में भिगोने की जरूरत नहीं है जी, पर उसका सरफेस जो पीछे का जो सरफेस होता है ना जी टाइल का, लेके आइए सरफेस 2x2 एक टाइल लेके आओ ना 2x2 सर। तो उसमें क्या है जी, उसका सरफेस साफ करना जरूरी होता है, जो उसका जो पीछे का जो पाउडर होता है ना वो साफ करो। आप टाइल क्लीनर के साथ करो या कोई सरफ के साथ साफ करो या किसी और चीज के साथ साफ करो, वो साफ होना चाहिए। क्या है कि जो उसका वो पाउडर है ना वो साफ होने के बाद उसको प्रॉपर केमिकल पकड़ेगा। जैसे ये सरफेस होता है, ये जो सरफेस होता है ना एक वो सेरेमिक रोग, ये जो पीछे पाउडर है ना जी मिस्त्री जी, ये साफ होना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम होगा, थोड़ा सा गिल्ला कपड़ा लिया इसको साफ कर दिया प्रॉपर तरीके से, साफ करने के बाद इसके ऊपर केमिकल लगाओ। समझो ले तो है नहीं अपने पास जो एलास्टिक को जाली वाला गुरुमाला आता है अल्ट्राटेक, जो कंघी बोलते हो कंघी वाला गुरुमाला, उसको ऊपर प्रॉपर लगा के फिर इसको लगाओ। इसमें कहीं भी थोत नहीं रहेगी टाइल के अंदर, चाहे आप उसको ऊपर वैसे रख दो, उसको ऊपर उसकी कवरेज भी ज्यादा आएगी, जो इस केमिकल की है ना सीमेंट से ज्यादा कवरेज आएगी। ये नहीं है कि भाई आप उसको सीमेंट को लगाने के बाद सीमेंट से कम लगेगी, सीमेंट ज्यादा लगेगी आपकी केमिकल कम लगेगा, क्योंकि इसकी पतली परत होगी और पूरी मजबूत परत होगी। उसको ऊपर आप बिठा दोगे ना और थोड़ा सा ठोक दोगे वही सेट हो जाएगी, आपको उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा। फिर दूसरी बात, इसमें एक टाइल आती है हमारी 2x2 की जो सेरेमिक होती है, उसमें भी आप टाइल को भिगो के लगा सकते हो। 2x2 की जो टाइल है अपनी, जो मिट्टी की टाइल बोला हाँ पा, जैसा कलर फेड हो जाता है कुछ समय के बाद, उसको भी आप पानी में भिगो के बाहर निकाल के उसको सरफेस पे लगा के केमिकल रख दो, लग जाओगे आपकी सेट हो जाओगी। ऐसी हमारी दीवार की टाइलें हैं। पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक टाइल को रखना चाहिए, आप लोगों को काम करते हो आप लोगों को पता होना चाहिए भी कितने समय तक आप टाइल को पानी में भिगोते हो भैया, कितना टाइम होता है 10-15 मिनट। तो उसमें है ना काफी मिस्त्री ऐसे देखे हैं भी जो शाम को डब्बे फाड़े, शाम को पानी में डाल के चलाया गया और सुबह आके निकाला उसको, तो उसमें उसके इस दौरान क्या होगा, जो उसका बिस्कुट है ना वो कमजोर हो जाएगा, मिट्टी तो है ही उसके अंदर जी, जो उसके अंदर केमिकल है वो सारा उसका पानी के अंदर निकल गया। इसका ज्यादा से ज्यादा कंपनी ये कहती है और डब्बे के ऊपर लिखा रहता है 30 मिनट से 45 मिनट का जो समय रहता है इसका, इसमें आप लगाओ पानी में उसके अंदर डालो, उसको डालने के बाद उसको निकालो, 5 मिनट के लिए उसको अलग अलग पीस कर रहे हो, उसका जो भी पानी है सारा उसका निकल जाएगा। फिर उसके ऊपर केमिकल लगा के कंघी के साथ उसका पूरा करके फिर उसको टाइल लगाओ, उसमें कभी भी स्टार्च नहीं आएगी, कभी भी स्टार्च नहीं आएगी। और इसका जो ये लगाने का क्या बेनिफिट है, जो केमिकल लगाने का किसी भाई ने भी बताया शायद भाई, मैं दोबारा बताता हूँ। पहले अपन जो चुनाई करते हैं ट्राई करने की ट्राई करते हैं, ट्राई लगे कोई ट्राई नहीं करता, पर मिस्त्री आगे ट्राई करेगा तो उसका अपना इसमें क्या है कि आप प्योर केमिकल में ट्राई लगा दे वहां पर, तो इसमें फिर आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, करते हो आप बहुत बढ़िया बात, उसमें 1% भी कोई समस्या नहीं। तो आप लोगों से बस इतना ही मतलब कहना, इतना ही मिलना था आज हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, लाइक करें। आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद जी।